बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, जिसमें एक कमेटी बनाएगी, उनके अध्यक्ष रामनाथ, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को रखा गया। अब ये तो कल की ही चर्चा थी जिसको लेके काफी बातें भी हुई, इस पर आपत्ति भी जताया गया कि पूर्व राष्ट्रपति को इस तरह के पद जो है अभी तक जनरली नहीं सुना जाता है, लेकिन उनको बनाया गया। हाँ, पर आज जो है 8 सदस्यों की नाम घोषित किए गए समिति में, जो है नाम घोषित किए गए हैं, कौन कौन से इसमें सदस्य रहेंगे उसकी चर्चा करेंगे। और इसमें बताया जा रहा है कि अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद जैसे तमाम चेहरे शामिल होंगे इसमें, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं। हाँ, अभी जो है जो चीजें सामने आई है कि उसमें जो है इनको एक्चुअली क्या है कि देखिए गृह मंत्री हैं अमित शाह, और अभी जो विपक्ष के या कांग्रेस के जो नेता के रूप में अधीर रंजन चौधरी हैं। तो इस तरह की जब चीजें होती है तो उसमें जो है ये जरूरी होता है कि हम उन्हें शामिल करें, और बाकी लोगों को भी जो है जो भी उससे जुड़े होते हैं। अब गुलाम नबी आजाद हैं, वो कांग्रेस के हैं, लेकिन आज वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी बना ली है और राज्यसभा में से भी अब नहीं है उसमें, लेकिन उनको भी जोड़ा गया। ये एक केंद्र सरकार के ऊपर होता है कि जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको जो है वो शामिल कर सकते हैं, तो उसी तरीके से उनको शामिल किया गया है। ये सब जब चीजें की जाती है तो उसमें कोशिश किया जाता है कि हर वर्ग, हर तरह के, हर तबके के लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, और इसीलिए मुझे लगता है कि गुलाम नबी आजाद को जो है इसमें रखा गया है। इसके अलावा भी और भी लोगों को रखे गए, उनके नाम मैं चाहूंगा कि आप ही बताएं। तो जी बिल्कुल, इसके साथ ही जो 8 सदस्यों की समिति बनाई गई है, इसमें 15वें वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह को भी शामिल किया गया है। अब वित्त आयोग के चेयरमैन को रखा गया, तो इसके पीछे का जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव की जब बात है, वन नेशन की बात, इसमें पैसे का वित्तीय जो चीजें हैं, मामलों की जानकारी के लिए भी तो लोगों की जरूरत है, इसलिए जो है उनको रखा गया। फिर इसके अलावा लोकसभा के पूर्व महासचिव जो हैं डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, सीनियर वकील हरीश सालवे, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी इस 8 सदस्यीय समिति में जो है शामिल रहेंगे। तो कानून की सारी प्रक्रियाएं, किस तरीके से इसको हम जो है इसमें संशोधन कर सकते हैं, फिर किस किस तरह की समस्याएं आएंगी, इस तरह की सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जो है यहाँ कोशिश किया गया है कि हर तरह के लोगों को इसमें शामिल किया जाए, और एक नई मतलब कि जो भी चीजें जब प्रस्ताव को रखा जाए तो मतलब ठोस रखा जाए और इस पे काम किया जाए। अब ये देखना है कि जैसे अधीर रंजन चौधरी को रखा गया है तो बाकी लोगों को तो शायद मैनेज किया जा सकता है। कांग्रेस हालांकि इस पे अभी मुझे नहीं लगता कि वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में, फेवर में है, तो ऐसे कंडीशन पे क्या चीज होगी ये देखने वाली बात होगी। तो खैर, विपक्षी दल भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों की बात करें तो कुछ का कहना है कि हाँ ठीक है, ये होनी चाहिए, और कुछ ने जो है इसकी आलोचना की है और उन्होंने इसे गलत बताया है। और खैर, विशेष सत्र जो बुलाया गया है संसद में, उसके लिए प्रहलाद जोशी ने जो है सभी को एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। और अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, इस पर कमेटी बना दी गई है। अब 8 सदस्यों की समिति बना दी गई है, इसके जो है नाम सामने आ गए हैं। अब देखना होगा कि क्या इस में चर्चा मतलब लग रहा है, जिस तरह से काम हो रहा है इस पे, मुझे लग रहा है कि ये 18 तारीख से पहले जो है इस पे जो भी संभावना हो सकती है, ये जो 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है वहाँ पे एक्चुअली देखिए अभी जिस तरीके से ये सारे वो लोग हैं जो अभी इनके पास प्रॉपर टाइम है, 8-10 मतलब 10-12 दिन का टाइम प्रॉपर है, तो उस अनुसार से ये काम कर सकते हैं। अभी G20 भी होने वाला है, तो लेकिन G20 में अमित शाह की कोई भूमिका नहीं है, वहाँ पर तो प्रधानमंत्री रहेंगे, तो इसलिए जो है बहुत आराम से ये काम कर सकते हैं। और 18 से 22 तारीख के बीच में एक ठोस प्रपोजल जो है कहा जाए कि क्या होगा, इसका स्वरूप किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा, इसको लेके प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाएगा, इसी को लेके ये बनाया गया है। और उम्मीद जताई जा रही है कि
जहां तक एक उम्मीद है कि ये पेश करेंगे, और जो मोदी जिस तरीके से काम करते हैं उसके अनुसार से कहा जा सकता है कि हो सकता है कि इस बार इसे ये पास करवा ही ले। तो ये जिस तरह से वन नेशन और वन मतलब ओवरऑल यही लग रहा है कि ये पास हो जाएगा। यूसीसी की भी बात कर ले तो लोग यही आस लगा रहे हैं कि यूसीसी पे या बाकी ये सब आशंका है, लेकिन देखिए मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीज करेंगे, क्योंकि क्या है कि विशेष सत्र है। हाँ। और विशेष सत्र बुलाया जाता है जब कोई ऐसी चीज हो जिसके बगैर काम ना चल रहा, तब तो बुलाया जाता है। और इसीलिए इसका कहीं ना कहीं आलोचना भी की जा रही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना भी था तो ये चीजें आप मानसून सत्र में ले आते या शीतकालीन सत्र का इंतजार कर लेते, लेकिन ये इतनी क्या जरूरत हो गई कि इसको अभी ही मतलब विशेष सत्र बुलाकर आपको करना पड़ रहा है। और अब कहा जा रहा है कि इसको ले, इसमें तीन बातें हो रही है, एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरा है यूसीसी, और तीसरा महिला बिल की भी बात कही जा रही है। अब महिला बिल एक ऐसा है जिसपे कांग्रेस भी पक्ष में है और भाजपा भी पक्ष में, लेकिन बाकी दल जो हैं, चाहे वो लालू की पार्टी हो या इनके आम आदमी की पार्टी, आम आदमी नहीं समाजवादी पार्टी हो, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं इसके विरोध में है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये बिल तो सामान्य इतना तो जरूरी नहीं था कुछ ऐसा कि मतलब 6 महीने में आप महिलाओं को इतने सालों से आपने हक नहीं दिया, अब 6 महीने में नहीं देंगे तो महिलाएं जो है नाराज होकर वो संसद भवन पे हमला कर देंगी, तो ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं था। तो मुझे लगता है कि मामला कुछ ये है, नहीं है, लेकिन आशंका जो मीडिया में जिस तरीके से व्यक्त की जा रही है कि सबसे पहले तो बात ये वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की सामने आई है। हालांकि कहा जा रहा है कि 10 बिल ये 5 दिन के जो विशेष सत्र बुलाए गए हैं उसमें पास किए जा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वो 10 बिल जो पास कराए जाएंगे, लगभग 10 बिल की बात हो रही है, उसमें ये वन नेशन वन इलेक्शन काफी चर्चा में बना हुआ है। देखते हैं ये पास होता है या नहीं, और 10 और तमाम कौन से बिल होंगे जो पास किए जाएंगे। खैर ये विशेष चर्चा यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे। आज जो है मैं चाहूंगा कि आज अभी क्रिकेट के क्या स्कोर हैं दर्शकों को एक बार जरूर बता दें, अगर जो है क्रिकेट का। खैर आपको बता दें कि भारत ने जो है पाकिस्तान को 267 रन का जो है टारगेट जो है दिया है, और देखते हैं आप कि ये जो टारगेट दिया गया है ये पाकिस्तान पूरा कर पाता है या नहीं। लेकिन आज जो है सबसे बड़ी चीज जो है लगा कि जो जितने बल्लेबाज थे जो मतलब आगे के क्रम में खेलने वाले थे ओपनिंग बैट्समैन, वो सारे आज सबने निराश किया है। और जो है जो मध्यम क्रम के बल्लेबाज थे जो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसी के कारण से आज जो है कहीं ना कहीं अक्सर हम देखते हैं क्रिकेट्स में कि जिससे उम्मीदें होती हैं कि हाँ इस बार ये बढ़िया खेलेंगे, तो उनसे उम्मीदें तो पूरी जिस तरह से वो प्रदर्शन करते हैं हटते हुए समझ में ये आता है कि जो जिनके ऊपर हमारी नजरें नहीं होती है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं। रिंकू सिंह की बात की जाए, तमाम ऐसे जो जिनका मतलब अब जो है आईपीएल की बात, पांड्या ने बहुत अच्छा, हाँ हार्दिक पांड्या तो खैर बहुत अच्छा उनका था, प्रदर्शन अच्छा रहा है उनका। तो अब देखना है, अभी तो आज पहला मैच है, अब धीरे धीरे जो है आप जितने जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय, अब तो वर्ल्ड कप भी आने वाला है तो उसके भी तैयारी होगी अच्छे से। तो देखते हैं आज का मैच कौन जीतता है। टारगेट जो है भारत ने पाकिस्तान को दिया है 267 रन का, तो वो अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से खेलता है और इसको क्रॉस कर पाता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। आज वही है कि हार्दिक पांड्या ने 87 और ईशान किशन ने जो है 82 रन मारे हैं और इस कारण से जो है ये स्कोर पे आया है। अदरवाइज आज कहें कि जो ऊपरी बल्लेबाज जो भी थे उन्होंने उनका प्रदर्शन बहुत बुरा रहा, विराट कोहली 4 रन पे आउट हो गए। तो वही मैं कह रही थी जिससे थोड़ी सी उम्मीद होती है कि हाँ इस बार वो बेहतर प्रदर्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर जो है खासतौर से जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है प्रेशर तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उसमें कई बार जो है कभी कभी लक का भी खेल है। लक नहीं का तो ठीक है, फिर जो मेहनत है वो भी है और ओवरऑल होता है अच्छा था, लेकिन यही है कि इस खेल को खेल की तरह ले, उससे ज्यादा कुछ नहीं, एंजॉय करें। और आज अभी पाकिस्तान की बैटिंग चल रही होगी है और उसका
मजा लें और देखते हैं कि कौन जीतता है इस मैच को। बिल्कुल। और अभी के लिए हाँ, फिलहाल के लिए ये लाइव यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर अगले लाइव में, तब तक के लिए हमें इजाजत।